अस्सलाम वालेकुम। तो बताइए जनाब, आपकी भी क्या स्कूल में उर्दू टीचर इतनी ही मोटी थी? दोस्तों, जो भी फ्रूट लाओ ना, उसे चुरी से काट कर खाओ, दांतों से नहीं, वरना यही अंजाम होगा। हाँ जी। एक शेर अर्ज किया है कि और भी हम हैं मोहब्बत के सिवा जमाने में, आज मेरा पाँव फिसल गया गुसल खाने में। वाह 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 वाह, तारीफ आप लोगों ने करनी नहीं, खुद ही करनी पड़ती है। लो जी, मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ। मोहब्बत का मीम भी कुछ निराला है, मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं है, मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। मोहब्बत का बे भी बड़ा निराला है, मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। और मोहब्बत का ते भी लाजवाब है, मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तौबा तौबा। एक वक्त था कि लोग डायरी लिखते थे और किसी के पढ़ लेने पर नाराज हो जाते थे। आज लोग दिल की बातें फेसबुक पर लिखते हैं और कोई ना पढ़े तो नाराज हो जाते हैं। ग्रामर की टीचर, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? शागिर्द, बेगैरती का। साया भी साथ जब छोड़ जाए तो समझो रात हो चुकी है, ऐड़े जज्बाती ना बनो। डॉक्टर मरीज से, आपके गुर्दे फेल हो गए हैं। मरीज, मगर कैसे, वो तो कभी स्कूल गए ही नहीं। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़कियां सुबह उठते ही ऐसे लगती हैं? वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, गौर फरमाइए, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है सुबह उठकर फिर से सोने में। और अपने बुजुर्गों से तमीज से बात करनी चाहिए, वरना मुंह टूट भी सकता है। आज मैंने खुद चार्जर ठीक किया और फिर मोबाइल चार्ज किया, लेकिन पता नहीं क्यों मोबाइल काला हो गया। तो मुझे मूंगफली के खोए हुए दाने से भी ज्यादा अजीज हो। हाँ जी। मैं किराए के मकान में रहती थी, फिर मैंने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया, मालिक मकान को भी मशवरा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। लो आओ जी, मोहब्बत का एक और भी निराला काम समझाऊं, मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता, बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? शोहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है ना। बाबा जी कहते हैं कि अगर बीवी से गलती हो जाए तो इसमें कसूर गलती का ही होता है। लड़की, मेरा वेस्ट कैसे कम होगा? डॉक्टर, आपने अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है। लड़की, किस टाइम? डॉक्टर, जब कोई काने का पूछे। अजीम है वो लोग जो बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करके फट से सो जाते हैं। मैं तो डेढ़ घंटा माजी की, एक घंटा हाल और आधा घंटा मुस्तकबिल के बारे में सोचने के बाद मोबाइल चार्जिंग खत्म होने तक जागती रहती हूँ। मैं, अम्मी मुझे आईफोन तो दिला देना। अम्मी, बेटी शादी के बाद शोहर से कहना ना। अम्मी, चाय बना दो। मैं, शादी के बाद शोहर के लिए बनाऊंगी ना मैं चाय, और फिर उसके बाद जो हुआ ना वो मैं नहीं बताऊंगी। शोहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी, दोपहर में डिनर ले लो जी। शोहर, जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल हो गए तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। एक दिन मैं अपनी पप्पो से मिलने लाहौर गया, मेरी कजन ने मुझे सेब पेश किया और कहा पाइनएप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ, आखिर कुछ देर के बाद गौर किया तो बाद में समझ आया कि उसका मतलब था कि भाई सेब खाएं पाइन। छोटी बहन घर का वो स्पीकर है ना जो सिर्फ सोते हुए ही खामोश पाया जाता है। मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे ज्यादा शर्म तब आती है जब डॉक्टर कहता है कि ये टीका बाजू पे नहीं लगेगा। टीचर, कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। स्टूडेंट, ठीक है टीचर, नान और कोक मैं ले आऊंगा। लड़की और लड़का, लड़की मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कह लो मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर ना पापड़ बेचता हूँ। दसो जरा इस कुर्सी पे अपने किस दोस्त को बिठाना पसंद करेंगे, मेंशन करें। मैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को ना नंबर वाइज बिठाना पसंद करूंगी।
पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहती है, लो जी मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। बैठे बैठे दिल ने कहा, दोस्त को मैसेज करो। फिर सोचा, दिल तो पागल है। फिर सोचा, दिल पागल है तो क्या हुआ, मेरा दोस्त कौन सा अल्लाह इकबाल है। और तमाम गुजर बरादरी के लिए 50% रेट है, जल्दी करे, पहले आए पहले पाए। पीर बेटा कोई मन्नत मांगो, मुरीद मेहरबानी करके मुझे अनमेरिट कर दें। पीर बेटा मन्नत मांगो, मन्नत जन्नत नहीं। लड़कियां भी अगर लड़कों की तरह गुंडे होती ना तो उनके नाम क्या होते, जरा सोचे। मानो डकैत, सना सुपारी, गनी बहन, गब्बर आपा, और फनी बारबी डॉन। इन अदर कंट्रीज ग्रैंड पेरेंट्स जब मरते हैं ना तो वो कहते हैं, आई वांट टू मीट माय किड्स लास्ट टाइम। और हमारे पाकिस्तान में जब हमारे बुजुर्ग दादा और दादियां मरती हैं ना तो कहती है कि हमजा दाविया इकरा नाल करा दे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। आप लोगों को तो पता है ना, अगर करने को कोई काम नहीं है तो फिर क्या करना है। हाँ जी, मेरी कोई पुरानी वीडियो देखनी है तो मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।